दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक अच्छा कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में श्रीलंका को 302 रन से हराने के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने जहां सेमीफाइनल में एंट्री पक्की कर डाली, वहीं श्रीलंका को हराते ही रोहित शर्मा ने 5 नवंबर को कलकत्ता के मैदान में होने वाले साउथ अफ्रीका से होने वाले बड़े मुकाबले के लिए टेम्बा बाउमा की टीम को चेतावनी दे डाली है। रोहित शर्मा ने क्या कहा ये सब अपने वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि कोलकाता में होने वाले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच में कौन जीतेगा? अपना भी कीमती राय अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। दोस्तों रोहित शर्मा ने श्रीलंका को 358 रनों के विशाल चेज में 55 रन पर समेटने के बाद साउथ अफ्रीका को चुनौती देते हुए कहा कि वो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं और हम भी दमदार फॉर्म में चल रहे हैं, इसलिए कोलकाता के फैंस को अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में मजा आने वाला है। वहीं मैच की बात करें तो श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली 88, सुमन गिल 92 और श्रेयस अय्यर 82 रनों की दमदार बल्लेबाजी से भारत ने 357 रन बनाए। इसके जवाब में भारत के तेज गेंदबाज शमी 5 विकेट, मोहम्मद सिराज 3 विकेट और जसप्रीत बुमराह 1 विकेट ने मिलकर श्रीलंका को 55 रनों में समेटने में देर नहीं लगाई, जिसके साथ ही भारत ने 302 रनों की रिकॉर्ड बड़ी जीत से वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर डाला। अब भारत का अगले लीग स्टेज में 5 नवंबर को साउथ अफ्रीका से सामना होगा, जबकि इसके बाद टीम इंडिया अपना अंतिम लीग स्टेज का मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ 12 नवंबर को खेलेगी और पहला सेमीफाइनल मुकाबला 15 नवंबर को जबकि दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को खेला जाएगा और अंतिम निर्णायक फाइनल मुकाबला 17 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों इस फाइनल मुकाबले के लिए दुआ करो कि टीम इंडिया जीते। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।